الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين والمشركين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خير المبشرين والمرسلين نبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال حسين بن علي في لسان حاله إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ اتنی مقدس اور پاک محفل ہے کہ جس محفل کے اندر اللہ کے ملائکہ مقربین بھی حاضر ہوتے ہیں اور اس ذکر کے وارث بھی حاضر ہوتے ہیں. کتاب کا نام سمرات العواد ہے, اس کے رائٹر ہیں علی بن ہاشم نجفی. اس کتاب کے اندر یہ روایت علامہ ہاشم نجفی نے نقل کی ہے کہ ایک فضیل نامی شخص حضرت امام صادق علیہ السلام کے اصحاب اور شیعوں میں سے تھا. اس نے اپنے گھر میں حسین ابن علی کی صف ماتم بچھائی اور اس نے امام صادق سرکار کو مجلس کی خبر تک نہ دی. دوسرے دن جب وہ صبح سویرے صادق آل محمد کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا, کل تو کہاں تھا؟ اس نے کہا, مولا کل میں مصروف تھا. امام علیہ السلام نے فرمایا, تیری مصروفیت کو میں صادق آل محمد خوب جانتا ہوں. کل تو نے اپنے گھر میں میرے جد نامدار حسین ابن علی کی مجلس اعضاء کا اہتمام کیا تھا اور جس کو تو اب مجھ سے چھپا رہا ہے. اس فضیل نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا, مولا آپ کو کس نے بتایا ہے کہ کل میرے گھر میں حسین ابن علی کی مجلس تھی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود بھی اس مجلس میں حاضر تھا. اس نے پوچھا, مولا آپ کہاں بیٹھے تھے؟ تو مولا نے جواب میں فرمایا, میں اس جگہ بیٹھا تھا جہاں لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے. اس نے عرض کی, مولا آپ نے مجلس کے ممبر کے قریب کیوں نہیں بیٹھے؟ تو امام نے فرمایا, ممبر کے قریب میرے دادا علی بھی تشریف فرما تھے اور میری دادی زہرا بھی تشریف فرما تھی. ان کی اجلال اور عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں دروازے کے قریب بیٹھ گیا. آگے روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ امام نے فرمایا, اے فضیل سن, جہاں کہیں بھی میرے دادا حسین ابن علی کی صف ماتم بچھائی جاتی ہے وہاں میرے دادا علی بھی تشریف لے جاتا ہے اور میری دادی صدیقۃ الکبریٰ
फातिमा तो ज़ारा सलामुल्लाह व सलवातुल्लाह अलैहा भी तशरीफ ले जाती हैं। दूसरी रवायत किताब का नाम है इस्तिक़बाल इमाम ज़माना सरकार, इसमें ये रवायत मौजूद है कि शिहाबुद्दीन ज़ोहरी ये कुछ दिन इमाम सैयदुस्साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली इब्ने हुसैन की के दरस में जाता रहा, सोहबत में बैठता रहा। उसने एक दिन अर्ज किया, मौला मेरे बच्चे की शादी है, हम चाहते हैं कि आप हमारे घर तशरीफ लाएं और हमारी खुशी में शरीक हो जाएं, हमारी शादी को बाबरकत बनाएं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ ज़ोहरी, अब खुशियों में शरीक होने का जमाना गुजर चुका है, अगर तू हमें अपने घर बुलाना चाहता है तो अपने घर में मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली की सफ़े मातम बिछा, मैं सैयदुस्साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली इब्ने हुसैन तुझसे वादा करता हूँ कि मैं खुद तेरे घर आऊँगा। उसने इमाम के फरमान के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक, इमाम की ख्वाहिश के मुताबिक उसने मजलिस आज़ा का एहतमाम किया। सुबह सवेरे उठा, सवारी ली ताकि मैं अपने इमाम को सवारी पर बिठा कर खुद अपने घर लाऊं। जैसे ही ये दरवाजे से निकला तो क्या देखता है, इमाम सैयदुस्साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन दरवाजे पर पहले से ही मौजूद है। ये रोकर कहता है, मौला आप खुद आ गए, मैं खुद आपको लेने जा रहा था। तो इमाम ने फरमाया, ऐ ज़ोहरी, जहां ज़हरा के लाल की सफ़े मातम बिछाई जाती है हम वहां खुद हाजिर हो जाते हैं। किताब का नाम सिरातुल निजात है। सैयद अबुल कासिम खुई रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि बाज़ रवायात में ये जिक्र है कि जहां भी ज़हरा के लाल की सफ़े मातम बिछाई जाती है वहां इस जिक्र के वारिस भी तशरीफ लाते हैं। तो आला खुद साहब इसके जवाब में फरमाते हैं, हाजा मुमकिन व बाज़ रवायात दल्लत अलैह। फरमाते हैं कि ऐसी रवायात से साबित होता है कि जहां भी ज़हरा के लाल की सफ़े मातम बिछाई जाए वहां अली व बतूल तशरीफ लाते हैं और उनका आना मुमकिन है। और बाद रवायात इस चीज पे दलालत भी कर रही है। तो इससे साबित हुआ कि ये कितनी मुकद्दस और पाकीज़ा महफ़िल है। तो इस महफ़िल के भी कुछ आदाब होने चाहिए और कुछ शरायत और ज़वाबित होने चाहिए कि जिस तरह मेहराब मस्जिद में खड़ा होने वाले पेश नमाज के लिए शरीयत ने कुछ कवायद और ज़वाबित का मुअय्यन किया है, इसी तरह मिंबरे हुसैन पे आने वाले शख्स के लिए भी कुछ ज़वाबत और कवायद हैं। क्योंकि मिंबरे हुसैन मेहराब मस्जिद से कम नहीं है। मिंबर और मस्जिद का आपस में इतना गहरा जोड़ है जितना कुरान और आले मोहम्मद का आपस में गहरा जोड़ है। मजलिस जो है ये
मकतबे हुसैन है और मस्जिद जो है ये मकसदे हुसैन है। मजलिस में जहन बनाए जाते हैं और मस्जिद में जहन झुकाए जाते हैं। मेरे मौला अमीर मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब से किसी ने पूछा कि या अली, तुम्हें जन्नत ज्यादा पसंद है या मस्जिद ज्यादा पसंद है? तो मेरे मौला ने जवाब में यही फरमाया कि जन्नत की नस्बत मुझे मस्जिद ज्यादा पसंद है, इसलिए कि जन्नत मेरी रजा है और मस्जिद मेरे खालिक की रजा है। और जन्नत में जाने से मैं अली का जी खुश होगा और मस्जिद में जाने से मैं अली का रब खुश होगा। तो अब अली कह रही उसे है कि जो अपनी रजा पर अपने खाने की रजा को तरजीह दे। और अली का शिया उसी को कहा जाएगा कि जो अपनी रजा मर्जी और खुशनूती पर मौला अली की रजा मर्जी और खुशनूती को तरजीह दे। ये मजलिसे हुसैन फकत मजलूम की मजलूमियत ही नहीं बताती बल्कि हक की आपकी पैरवी का दर्स भी देती है। तारीख कर्बला एक ऐसा रोशन चराग है जिसको जमाना की तेज रफ्तार आंधियां गुल नहीं कर सकी। कर्बला वालों ने इस्लाम की सरबुलंदी की खातर अपनी जानें निछावर करके कियामत के लिए जा कर जालिम हुक्मरानों के खिलाफ मजलूमों बेकसों को उठ खड़े होने की हिम्मत बख्शी है। और हुसैन इब्ने अली की सदाए हुज्जत अपने अंदर को अजीम इनकलाब रखती है कि जो हर दौर की ताहूती ताकतों के जीने को हराम कर रही है। और हुसैन इब्ने अली ने अपने पाकीज़ा किरदार के जरिए एक ऐसी अजीम बेदारी पैदा की है कि जिसकी वजह से आज भी हक को ताकत समझा जा रहा है, न कि ताकत को हक समझा जा रहा है। पूरी कायनात में इस्लामी फिरकों में से एक वाहिद फिरका है शयाने अली का कि जो हक को ताकत समझता है न कि ताकत को हम समझता है। हमने ये नजरिया कल पड़ा वालों से लिया। हुसैन इब्ने अली ने यजीदियत की आंखों में आंखें डाल कर कहा कि तुम्हारी फौजें ताकत नहीं है, ताकत वो रब का हुक्म है कि जो हर अमर की ऊपर गालिब है। इसी वजह से आज तमाम इस्लामी ममालिक में से वह बयान नजर आता है जो ताहून और यजीदियत की आंखों में आंखें डाल कर कह रहा है ताकत वो अल्लाह का कुरान जमीन है, जिसकी वजह से तमाम ताकूती ताकतें आज शियत के सामने सर लगी हुई नजर आ रही है। इस अदालती सैयद शोदा को आम न समझो। रजा शाह फैलवी ने हौज़ा इल्मिया के मुअस्सिस अब्दुल करीम हैरी को खत लिखा कि अलामा साहब, आप दो माह मुहर्रम और सफर के मुहर्रम मनाते हैं जिसकी वजह से मुल्क के बजट पे असर पड़ता है, लोगों के कारोबार उबार मुअत्तल हो जाते हैं। वैसे भी ये मुस्तहब अमल है, कोई वाजिब नहीं है,
तो आगा हैरी ने उसके सवाल के जवाब में फकत यही जुमला लिखा, बेशक अज़ादारी सैयदुश्शुदा मुस्तहब अमल है, मगर इसके साये के नीचे बहुत से वाजुबात नशो नुमा पा रहे हैं। अगर ये साया हटा दिया जाए तो वाजबात की बका को खतरा है। ये वो अजीम शख्सियत है, रोजे आशूर अपने सर से अमामा उतार कर मोमिनीन की सफों में जाकर सर पे वादम कर रहे हैं और हुसैन हुसैन की सलाए बुलंद कर रहे हैं। इतने में कोई एक शख्स करीब जाता है, जाकर कहता है अरामा साहब, सर से अमामा उतार कर हल्के में जाकर मातम करना तुम्हारी शयान शान नहीं है। आप तो हमारे मुज्तहिद हैं और वक्त के मर्जी हैं। तो आपने उससे पूछा, बता मेरी शयाने शान क्या चीज है? तो उसने कहा कि आप मिस्र से इश्तिहाद पर बैठ कर हमारी रहनुमाई किया करें। तो आगा को जलाल आया और उसने कहा, खामोश हो जा, ये जो मुझे शान और शौकत मिली है, ये जो मुझे मजीयत मिली है, जो मैं मकाम में इश्तिहाद पर फैज हुआ हूँ, ये सब कुछ हुसैन इब्ने अली की आजादारी के सदके में मिला है। पहले मैं आजादार हूँ जहरा के रात का, और बाद में मैं तुम्हारा मर्जे और मुज्तहिद हूँ। दूसरा वाकया मिलता है सैयद महदी बहरुल उलूम के हलाले जिंदगी में। आशूर का दिन है, कर्बला की सरजमीन है, हरमैन के दरमियान लोगों के साथ हरबला में शरीक हो चुके हैं, सर से अमामा उतारा हुआ है, मातम कर रहे हैं, लोगों के साथ दौड़ रहे हैं। इतने में एक आदमी आगे बढ़ा, पढ़कर कहता है, ऐ सैयद महदी बहरुल उलूम, आप क्या काम कर रहे हैं? तो आपने उसे डांट कर कहा, खामोश हो जा, तुझे नजर नहीं आ रहा मेरे इमाम जमाना मेरे सामने सर से अमामा उतार कर सर पे मातम करके अपने दादा हुसैन इब्ने अली की मजलूमियत का प्रचार कर रहे हैं। मैं अली का भी शिया हूँ और इमाम जमाना का भी शिया। इन आंसुओं को आम न समझना, इस आजादारी को आम न समझना। ये वो आजादारी हुसैन है जिसकी वजह से आज पूरी ताकूती ताकतें तुम्हारे सामने लड़ रही है। आप क्या नारा लगाते हैं, हुसैनी जिंदाबाद का और यजीदियत मुर्दाबाद का? हुसैनीयत नाम है इंसान को उसके असली मकसद की तरफ रहनुमाई करने का, और यजीदियत नाम है इंसान को उसके असली मकसद से मुनहरिफ करने का। हर नेकी हुसैनियत है और हर बुराई यजीदियत है। इस आजादारी को आम न समझना। सैयद शिहाबुद्दीन मरअशी नजफी के जब वक्त वफात करीब आया तो अपने बेटे को बुलाकर वसीयत की कि ऐ मेरा बेटा, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरा गुस्ल कफन मुकम्मल हो जाए, तो मेरी कब्र में मेरा ये स्याह मातमी लिबास भी रखना कि जिसको मैं गम के दिनों में पहना करता था। फिर फरमाते हैं, ऐ मेरा बेटा, मेरा वो रुमाल भी मेरे कफन में साथ दफन करना कि जिसमें मैं हुसैन इब्ने अली की मजलूमियत पे रोने वाले आंसुओं को जमा करता था। और फिर फरमाते हैं, ऐ मेरा बेटा, जब मेरा गुस्ल कफन मुकम्मल हो जाए
तो किसी वैद को मसाइब खान को बुलाना और वो मेरे जनाबे के सिरहाने खड़े होकर उस अलविदा की मुसीबत सुनाए जो जहरा के नाल ने अपने बहनों से किया था। जब सब शहीद हो जाते हैं, अकबर शहीद हो गया, कासिम शहीद हो गया, अब्बास शहीद हो गया, मेहमान मारे गए, जवान मारे गए, बूढ़े शहीद हो गए, सब शहीद हो गए, अकेला लाशों के दरमियान खड़ा है जहरा का नाम, कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, आवाज देकर कहता है या बुरैर, या खुजैर, या हबीब, या अब्दाल सफार, या फुरसान अलहिजा, الحمد لله رب العالمين وصيام كل ربنا حيّا